ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे, सीने पे। साले तू। दोस्तों आप लोगों ने वो कहा तो सुनी होगी कि दुनिया में बेवकूफ लोगों की कोई कमी नहीं है, आप एक ढूंढो आपको हजार मिल जाएंगे। इसी चीज को देखते हुए हमने आपके लिए ये वीडियो निकाला है, जिस देख कर आपके भी चेहरे में थोड़ी हंसी जरूर आएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो कैसे मोहतर मैं इस भूसे को फेंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उल्टा ये भूसा इन्हीं के ऊपर फेंका जाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। कुत्ते को रोस्टेड चिकन की चौकीदार करवाओगे तब तो यही हाल होना था। बेचारे कुत्ते के मुंह से लाल टपक रहे लेकिन बेचारा खा नहीं सकता। इन दोनों पापा की परियों को देखो जो अपने हाथ में लगे एबोस को कीड़ा समझ कर डर जाती है, और जब ये दोनों डरती है तब इनका शक्ल देखने लायक होता है। अब इन मातोरमा को प्रैंक करने के लिए कोई नहीं मिला तो इन्होंने तो अपने पति के हिसाब प्रैंक कर दिया। ये भाई साहब तो इनको सिर्फ एक ही चीज बोल रहे होंगे। दोस्तों अगर बने बुनाए काम को कोई बिगाड़ देता है तो कितना गुस्सा आता है ये हम सब जानते हैं, और वही काम इस कुत्ते ने किया। भाई साहब ने मस्त पूरे दिन इस रोड को परिस्तर किया, लेकिन पता नहीं इस कुत्ते के अंदर क्या चुल मची थी, ये कुत्ता इतने अच्छे भाई रोड को बिगाड़ के भाग गया। और फिर होना क्या था, ये भाई साहब उसके दोस्त वापस इस रोड को परिस्तर किए। अब अगर आप लोग भी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखो। इन भाई साहब ने एक ब्रांड न्यू ओला खरीदा, लेकिन ओला खरीदने के बाद कुछ महीनों के बाद ओला खराब हो गई, और इन भाई साहब ने जहाँ से ओला खरीदी वहाँ के सर्विस सेंटर में कई बार कंप्लेंट भी की, लेकिन वहाँ के लोगों ने कुछ नहीं किया। और फिर होना क्या था, इन भाई साहब ने डाला ओला को रिक्शे में और अपने हाथ में माइक पकड़ के चले गए ओला के सर्विस सेंटर के जस्ट सामने, और गाना गा कर अपना दुख को लोगों को बताया। स्कूल जाने वाले हर एक छोटे बच्चे को भारत का राष्ट्र गीत याद रहता है, लेकिन इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि इनमें से किसी को भी भारत का राष्ट्र गीत याद नहीं है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। दोस्तों देखो कि फोन करने में कैसे बच्चों के बालों का हेयर कट किया जाता है, और अब देखो कैसे भारत देश में बच्चों के बालों का हेयर कट किया जाता है। भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे यहाँ के सब्जी मंडी वाले अपने दुकान में पुदीना नहीं रखते हैं, वरना वो भी अपने दुकान का पुदीना कुछ इसी तरह से बेचते। ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। पुदीना हाँ हाँ अब इस लड़की को आप लोगों से कुछ कहना है और आप लोगों को सुनना पड़ेगा। आज तुझे से जो कहना है कहने दे। जो भी कहना है रहने दे। दोस्तों अब अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक के देख चुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
दोस्तों ये भाई साहब ये बताने की कोशिश कर रहे कि लोग दारू मजे में नहीं पीते बल्कि जबरदस्ती पीते हैं, और ये भाई साहब गाना के जरिए लोगों को ये बात बता रहे हैं। उस बोतल में वो जादू है पीते बहक जाता हूँ, पीना चाहता हूँ बोतल को अद्धे में लोढ़क जाता हूँ, तू जो एक पैक डाले जी उठे मरने वाले, थोड़ी चाट तो मंगा ले मुझे सूखी का शौक नहीं है, वो चल पड़ते हैं ठेके पे कदम मैं रोक नहीं पाता, वो इस बोतल में वो जादू है। अब आपने धड़कन मूवी का ये गाना तो जरूर सुना होगा, मेरी बाहों में उसकी बाहों में ऐसे बाहों में, लेकिन वही इस भाई ने तो इसका रीमेक बना दिया है जिसे आप लोगों को एक बार जरूर सुनना चाहिए। मेरी बाहों में उसके बाहों में किसके बाहों में ऐसे बाहों में उसके बाहों में है, बाहों में तेरे बाहों में मेरे बाहों में उसके, उसके बाहों में मैं उसके, बाहों में तेरी बाहों में मेरी बाहों में उसके बाहों में तेरे बाहों में अरे मेरे बाहों। ये रिपोर्टर भाई इन दोनों लड़कों से एक एक सवाल पूछते हैं। पहले लड़के से पूछते हैं कि गांधी जी को गोली किसने मारी, और दूसरे लड़के से पूछते हैं कि जय जवान जय किसान का मतलब क्या है, और जो जवाब इन दोनों लड़कों ने दिया उसे सुनकर आप भी इन दोनों को सलाम जरूर मारोगे। अच्छा ये बताओ महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम क्या है आपका? नाम। अच्छा ये बताइए जय जवान जय किसान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसान हमेशा जवान रहे। दोस्तों आप लोगों ने शाहरुख खान का इस पिक्चर का ये वाला डायलॉग तो जरूर सुना होगा, मेरी अम्मी जान कहती है। लेकिन भाई इस भाई की अम्मी जान क्या कहती है आप लोग खुद सुन लो। अम्मी जान कहा करती थी, जाए बड़वे काम पे जा। जब लड़का और लड़की के माँ बाप शादी के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं तब लड़की के माँ बाप एक ही चीज बोलते हैं कि हमारी बेटी तो गाय है गाय, और वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? ये रिपोर्टर इन भाई साहब से ये पूछ रहा है कि आप रक्षाबंधन के दिन अपने बहन को क्या तोहफा दोगे, और भाई ने भी मस्त जवाब दिया कि जान तो दे देंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। राखी बनवाने के बाद आप अपने बहन को क्या गिफ्ट देंगे? जी गिफ्ट तो गरीब लोग देते हैं, हम अपने बहन को गिफ्ट के बदले दुआ देंगे 100 साल जीने की। अरे वाह गुड आइडिया। अब अगर मैं वीडियो को लड़कियां भी देखती है तो उनके लिए एक खुशखबरी है, वो अपने बालों का एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, और वो है बॉटल खोलने में, लेकिन इसका इस्तेमाल टकले लोग नहीं कर सकते। स्कूल में ये रिपोर्टर इस बच्ची को खड़ा करके ABCD सुनाने के लिए बोलता है, और ये बच्ची इस रिपोर्टर को ऐसा ABCD सुनाती है जिसे सुनकर आपके भी हंसी छूट जाएगी। ABCDEFGHIJK L M N O P Q U V W L N O P Q U V R O S T U V W X Y Z। वाह दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी दीदी दीदी। इस आदमी को कोई बार बार फोन लगा के परेशान कर रहे हैं, अब इस आदमी को क्या करना चाहिए आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। अरे मैं क्या बताऊं। हेलो कौन हो तुम, क्यों बार बार फोन करते हो, और क्या मतलब चाहिए चाहिए? दोस्तों अब इन अंकल की कुछ समस्या है लेकिन वो मीडिया के द्वारा सरकार से बात नहीं करना चाहते बल्कि सीधा फोन में ही करना चाहते हैं। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हेलो अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है बोलिए, क्या अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। नहीं 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 बोलेगा, मीडिया पर जाएगा हम नहीं ले सकते हैं, आप लोग खींच के ले जाइएगा।
ये गाइस टेंट के पास आती है, लेकिन इसको टेंट तो नहीं लेकिन जूता बहुत पसंद आता है, तो वो जूते को पहन के 9:00-11:00 हो जाती है। स्प्रे को अपने दोस्त के ऊपर करना था, लेकिन इसने स्प्रे को खुद ही के ऊपर कर दिया, और फिर होना क्या था, सबके सामने इसकी बेइज्जती हो गई। दोस्तों जब भी कोई आदमी पहली बार बाप बनता है तब वो ये करने की कोशिश जरूर करता है जो इस गधे ने किया। अले ले मेरा बच्चा, बोलो पापा। हाँ बोलो बोलो पापा। ना ये हमारा बच्चा नहीं हो सकता है, साला अपना बाप को नहीं पहचान रहा, लेके जाओ इसको। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।